तो सो गाइस हुआ क्या है कि अभी अभी मेरा एक जो दोस्त था वो किसी ऐसे ही ऑफलाइन मार्केट से एक पावर बैंक लेकर आया, जो कि मेरे पास रखी है, आप देख सकते हैं। मैं अभी इसकी फुल डिटेल्स आपको दूंगा। तो हुआ क्या कि आप ये देखिए, पावर बैंक बिल्कुल चालू है, ये लाइटिंग जलने लगी इसकी, ये इधर साइड में बटन है। आगे देखे जाए तो दो पोर्ट दिए हुए हैं, एक टॉर्च दी हुई है और एक चार्ज करने के लिए इसका यूएसबी इन दिया हुआ है, और आउट दो दिए हुए हैं, और सैमसंग कंपनी की ये है, ये आप देखिए सैमसंग की है। तो मेरा एक फ्रेंड्स इसको लेके आया, बट क्या हुआ, ऐसे देखने में ये बिल्कुल चार्ज है, तो जैसे ही इसमें मोबाइल लगा रहे हैं इसका पूरा डंडी बिल्कुल खत्म बता रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ये केवल वो 100 रुपये में लेके आया। तो बाकी क्या है, ये 32,000 mAh की पावर बैंक 100 रुपये में उसको मिली, तो उसने ले आया। पर ऐसा हो रहा है कि अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी वो उसने ऑफलाइन मार्केट से लेके आ गया था, तो उसका ये प्रॉब्लम आई, तो उसने मेरे को बताया कि भाई देख मैंने ये लेके आया हूँ और ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा देख मेरे को बता, मैं चेक करता हूँ। तो चेक किया इसमें तो कुछ अजीब ही तरह का मेरे को मिला। तो आप लोग भी देखिए क्या है। तो इसमें क्या है, एक बहुत छोटी सी जो बैटरी डली हुई है, ये अपने क्या होता है जब मोबाइल फ़ोन की कोई भी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो वो बैटरी इसमें डाल दी उन्होंने, और बस उसी बैटरी के कारण ये लाइट जो आपको दिख रही है उसी बैटरी से जल रहा है। मोबाइल जैसे चार्ज लगा रहे हैं, तो बैटरी होती है 3.8 या 3.7 3.5 वोल्ट की, और चार्जिंग जो है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, अब तो सभी बड़े बड़े चार्जर्स आ रहे हैं। तो इस कारण से जब भी इसमें लगा रहे हैं तो ये पूरा लाइटिंग इसका बैठ रहा है, और सामने ये टॉर्च भी है, ये देखिए टॉर्च भी जल रही है, कोई खास ये टॉर्च भी नहीं है जो आप देखिए। तो ये क्या हो रहा है कि ये सब उसी की समस्या हो रही है। ये देखिए चेहरे पे टॉर्च है पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये लिया है उसने केवल 100 रुपये में। अब वो क्या हुआ, कोई भी बेचने वाला था, उसने बोला 1500 रुपये 1500 रुपये, तो वो भी बहुत ज़्यादा चालू था, तो उसने बोला मैं 100 रुपये दूंगा। फिर बेचने वाले ने बोला चलो ठीक है, ये चोरी का माल है इसका, बोले ये चोरी का माल है, तो इस कारण से मैं आपको 100 रुपये में दे रहा हूँ। पर अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, हाँ आप कोई भी, अब देखिए ब्रांडेड की बात करें तो इस पर सैमसंग लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा इस पर सैमसंग लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी भी तरह की पावर बैंक लेना है, तो आप ऐसा किसी भी आप ब्रांडेड कंपनी के लिए, ब्रांडेड दुकान से लें और पूरा चेक करके लें, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी पावर बैंक में नहीं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इससे आप सभी बिल्कुल सावधान रहें, और इस तरह का कभी भी आप ध्यान रखें। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस पावर बैंक के साथ एक चीज़ और है, तो पावर बैंक के साथ एक चीज़ और है, वो है USB टू माइक्रो USB डाटा केबल। तो ये डाटा केबल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये तो अच्छा रहा कि डाटा केबल बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये आप देख सकते हैं। तो बस यही है, 100 रुपये में यही हाथ लगा इसको, बल्कि पावर बैंक तो कोई मतलब की नहीं है। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन, ऑफलाइन मार्केट, किसी भी गली से, किसी भी चलते फिरते शॉपकीपर से अगर आप ऐसे चीज़ लेते हैं, तो आप बिल्कुल घाटा खा सकते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि आजकल क्या है, बाहर दे दी सैमसंग, सोनी, एप्पल, कोई भी कंपनी का वो बॉक्स लगा सकते हैं, पर अंदर इसमें कुछ नहीं रहता, तो ऐसा आप बहुत ज़्यादा घाटा कर सकते हैं। तो बस अब से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पावर बैंक या कुछ भी सामान लेना है, तो आप किसी ब्रांडेड कंपनी का देख लें। बस क्या होता है कि ये पावर बैंक आपको 1500 से 2000 रुपये में ओरिजिनल मिलती, तो ये उन्होंने 100 रुपये में दे गए, बट ये 100 रुपये भी बिल्कुल कोई मतलब का नहीं रहा। तो अगर आपको पावर बैंक भी ऐसे तरह से लेना है, तो आप ब्रांडेड करें। और जो भी आपकी राय लगती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको जाके फॉलो कर लीजिए, 400+ सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।